हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्ट्रीट टारगेट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ इंसुलेटिंग मटेरियल एंड अर्थिंग के बारे में। ठीक है, इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आपको पार्ट वन बता दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं। ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ था, बहुत अच्छे से समझाया था उसने। ठीक है, और उसमें बताया था कि जो अच्छे कंडक्टर होते हैं, है ना, जो अच्छे इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दो चीज़ों को मैंने बताया था। ठीक है, तो आप लोग उसको पहले उस वाली वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर्स होता है वो क्या होता है, और उस पे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें कई तरह के इंसुलेटर होते हैं, तो इंसुलेटर कितने तरह के होते हैं, तीन वर्गों में इनको बांटा गया है। होते तो बहुत सारे इंसुलेटर हैं, बट उनका जो मेन डिफिनेशन है, क्लासिफिकेशन है, उसको तीन वर्गों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सॉलिड इंसुलेटर, ठीक है, सेकंड है फ्लेक्सिबल इंसुलेटर, और थर्ड है गैसियस इंसुलेटर। ठीक है, अब इसको आपको तीनों को नोट कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली यहीं से आते हैं। ठीक है, अब सॉलिड इंसुलेटर में क्या क्या होते हैं, सॉलिड इंसुलेटर से ही आपको समझ में आ जा रहा है कि ऐसे इंसुलेटर जो सॉलिड होंगे, ठोस होंगे। ठीक है, तो उसमें देखिए कौन कौन से आ रहे हैं, इसको आपको याद ही कर लेना है। एबोनाइट, अभ्रक, बैकेलाइट, पोर्सलेन, कांच, मार्बल, प्लेट, सूखी लकड़ी, फाइबर, ये सब क्या होते हैं, सॉलिड इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, दो बार इसको पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्लेक्सिबल इंसुलेटर्स, ठीक है, फ्लेक्सिबल इंसुलेटर में आप समझिए कि जो रबर होता है फ्लेक्सिबल होता है, तो रबर नाम से लगभग जितने आते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। पेपर जिसमें इंक्लूड होता है वो भी इंसुलेटर होता है। ठीक है, देखिए पेपर है, उसके बाद टेप आपका ये फ्लेक्सिबल इंसुलेटर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है, रेजीन, खनिज तेल, सैलेक, इन सबको अभी अलग अलग भी डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, बट आपको ये जो टॉपिक है तीनों, ये तीनों को तो आपको लिख करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा कि कौन सा इंसुलेटर किस तरह का है। ठीक है, अब उसके बाद देखें यहाँ पे तीनों चीज़ें मैंने बता दिया, खनिज तेल, रेजिन, सैलेक, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है आपको। कागज जो है वो भी फ्लेक्सिबल इंसुलेटर में आता है। ठीक है, उसके बाद पेपर हो गया, रबर हो गया, माइकानाइट हो गया, ठीक है, पीवीसी हो गया, ये सब क्या है, फ्लेक्सिबल इंसुलेटर्स हैं। तो ये सब मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा। देखें यहाँ पे टेप करके लिखा हुआ है, ये भी इंसुलेटर ही है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो जो लचीले इंसुलेटर होते हैं वही फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, अब देखें गैसियस इंसुलेटर क्या होते हैं, गैस तरह के इंसुलेटर, जैसे आपकी हवा हो गई, कहीं पे आप देखे हैं कि खुले में तार लगे होते हैं। ठीक है, खुले तार जैसे लगे होते हैं, ऊपर से जो तार जाता है, वायरिंग जो जाती है ट्रांसफार्मर वगैरह के बीच में, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, नंगे तार होते हैं, खुले हुए तार होते हैं, तो उसके बीच में कौन काम करता है, एयर, हवा, हवा ही इंसुलेटर का काम करती है। ठीक है, अब इसमें आपको मैं बताऊंगा, अभी इसके बाद मैं बताऊंगा कि ड्राई एयर इंसुलेटर की तरह कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन को आप समझ लीजिए, हाइड्रोजन ये क्या है, गैसियस इंसुलेटर है। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को आपको लिख लेना है और याद कर लेना है। अब देखते हैं एक एक करके इंसुलेटर जो जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो मेन इंसुलेटर्स हैं उनके बारे में बताया गया है, वैद्युत कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले अचालक निम्न है। ठीक है, पहला है ड्राई एयर, अभी मैंने बताया था कि जो शुष्क हवा होती है वही क्या है, इंसुलेटर का काम करती है। ये सबसे अच्छा अचालक पदार्थ है, बहुत अच्छा अचालक पदार्थ है, परंतु नमी से इसकी अचालकता प्रभावित हो जाती है। भाई जहाँ पे नमी आती है वो क्या होता है, वहाँ देखते नहीं आप, कहीं कहीं पे आप छू देते हैं, अगर नंगे पैर होते हैं या आपका पैर भीगा हुआ होता है तो आपको करंट लग जाता है, तो इंसुलेटर का काम नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जहाँ पे नमी आ जाती है वहाँ के लिए इनका दिक्कत है। ठीक है, तो ओवरहेड जो लाइनें होती हैं, जो नंगे धातु के तार जहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, ओवरहेड लाइनों में नंगे धातु के तार प्रयोग किए जाते हैं, उनके बीच में हवा ही अचालक का कार्य करती है। ठीक है, लाइन को नमी से अप्रभावित रखने के लिए प्रत्येक दो चालक के तारों के बीच में पर्याप्त दूरी रखी जाती है, ताकि इनमें नमी न बने। ठीक है, तो इसलिए दो तार होते हैं उनके बीच में क्या किया जाता है, बराबर दूरी रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगला, नेक्स्ट इंसुलेटर है वल्केनाइज्ड रबर। ठीक है, अब ये रबर देखें कैसा होता है, साधारण रबर में ऊष्मा प्रक्रिया से गंधक और जिंक ऑक्साइड मिलाकर वल्केनाइज्ड रबर तैयार किया जाता है। अब देखिए जो साधारण रबर होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, ऊष्मा प्रक्रिया से, जो साधारण रबर होता है उसमें हम लोग हीट प्रोसेस से क्या करते हैं, गंधक और जिंक ऑक्साइड मिला करके
वल्केनाइज्ड रबर तैयार किया जाता है। ठीक है, इस रबर को कैसे तैयार करते हैं, इसमें गंधक मिलाते हैं और जिंक ऑक्साइड मिलाते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के तारों एवं केबिल्स में इंसुलेटिंग कवरिंग के रूप में किया जाता है, तार और केबिल्स वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखें अगला इंसुलेटर है पीवीसी। पीवीसी क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था फ्लेक्सिबल इंसुलेटर में आता है। ठीक है, पॉलीवोनाइल क्लोराइड। ठीक है, यह एक अच्छा अचालक पदार्थ है जो वेल्केनाइज रबर की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होता है। आजकल रबर के स्थान पर अधिकाधिक पीवीसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पीवीसी का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि उससे अच्छा होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखें अगला है एवोनाइट। यह मैंने बताया था ये कैसा होता है, ठोस होता है, सॉलिड है ना, यह ठोस रबर जैसा पदार्थ है जो 180 डिग्री सेल्सियस पर जलने लगता है। यह अम्लों से क्रिया नहीं करता। इसका उपयोग सीसा, अम्ल संचायक बैटरी के खोल, पैनल बोर्ड, यंत्रों के खोल आदि बनाने में किया जाता है। इसका एक अन्य रूप है वल्केनाइट। वल्केनाइट ठीक है, अब देखें अगला है अभ्रक। ठीक है, मीका, यह एक खनिज पदार्थ है जो पारदर्शक, अग्नि और नमी से अप्रभावित रहने वाला अचालक पदार्थ है। इसका उपयोग वैद्युत ऊष्मक उपकरणों के हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। ऊष्मा एवं नमी से अप्रभावित रहने वाला यह एकमात्र पदार्थ है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऊष्मा एवं नमी से अप्रभावित रहने वाला यह एकमात्र पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है, इसमें ऊष्मा और नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और भारतवर्ष में प्रचुरता से उपलब्ध है, यह बहुत ज्यादा मिलता है भारतवर्ष में। ठीक है, एलिमेंट के आधार के रूप में अन्य कोई अचालक पदार्थ इसकी बराबरी नहीं कर सकता। मतलब ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। माइकानाइट, साधारणतः अभ्रक की प्लेटें मोड़ने पर टूट जाती हैं। अभ्रक की जो प्लेटें होती हैं, मोड़ते हैं तो टूट जाती हैं, अतः अभ्रक की अति महीन चादरों को कपड़े एवं कागज पर वार्निश की सहायता से चिपकाकर माइकानाइट प्लेट पेपर या क्लॉथ बनाया जाता है। इसका उपयोग आर्मेचर बाइंडिंग कार्य में किया जाता है। लचीला होने के कारण इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। अभ्रक को मोड़ नहीं सकते, बस इसको हम लोग मोड़ सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बैकेलाइट, यह विभिन्न प्रकार के रेजिन से बनाया गया कठोर, भंगुर एवं, मतलब कठोर भी होता है, भंगुर भी होता है, अधिक तापक्रम पर जलने वाला अचालक पदार्थ है। इसे किसी भी आवश्यक आकृति में ढाला जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है अच्छे कंडक्टर की, अच्छे इंसुलेटर की। ठीक है, इसका उपयोग स्विच, प्लग टॉप, सॉकेट, बल्ब होल्डर, सीलिंग रोज, ठीक है, आदि बनाने में किया जाता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैं इसलिए एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ ताकि इसको आप लोग दो बार देखें और दो बार अगर सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें आगे। यह एक विशेष प्रकार का सलेटी रंग वाला नमी रोधी कागज है। नमी का अवरोध करता है, मतलब नमी नहीं आने देता, लेदराइट पेपर इसको बोलते हैं। ठीक है, यह तेल, ग्रीस आदि से अप्रभावित रहता है। इस पे तेल या ग्रीस का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उपयोग वैद्युत मशीनों की बाइंडिंग में वायर्स और आर्मेचर स्लॉट्स के बीच अचालक पर्त के रूप में किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे करते हैं, वैद्युत मशीनों की बाइंडिंग में, क्वाइल्स में, आर्मेचर प्लेट्स के बीच में। ठीक है, रेजिन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह सिंथेटिक पदार्थ होता है जिसका उपयोग बैकेलाइट बनाने में और इसी प्रकार के अन्य अचालक खोल आदि बनाने में किया जाता है। क्लियर, आगे देखें खनिज तेल। ठीक है, इन सब पे क्वेश्चन आएगा। खनिज तेल कैसा होता है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, वनस्पति तेलों का ऑक्सीकरण हो जाने से यह अपना अचालक गुण खो देता है। मतलब जो वनस्पति तेल होते हैं उसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कर लें, ऑक्सीकरण कर देते हैं, तो क्या करता है, वो अचालक गुण अपना खो देता है। अतः ट्रांसफार्मर, स्टार्टर आदि धारा वहन क्षमता वाले स्विच, कैपेसिटर आदि में अचालक के रूप में खनिज तेल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, स्टार्टर हो गया, ऐसे मतलब एलिमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा धारा बहती हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग अचालक के रूप में किसका यूज करते हैं, खनिज तेल जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखें पोर्सलेन, यह एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। क्या होती है, मिट्टी होती है जिसे विभिन्न आकृतियों में ढालकर, सुखाकर, पकाकर, मतलब ढालकर, सुखाकर, पकाकर विभिन्न प्रकार की अचालक वस्तुएं बनाई जाती है। इसका उपयोग ओवरहेड लाइन हेतु अचालक, फ्यूज, किटकैट, स्विचों, हीटिंग एलिमेंट के रूप में, प्लेटें आदि बनाने में किया जाता है। क्लियर हो गया, अब ये सब चीजें आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी है तो इसको थोड़ा सा आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, अब देखें, यह जल से अप्रभावित रहने वाला अचालक है, परंतु भंगुर होने के कारण इसका उपयोग
स्विचों आदि में नहीं किया जाता है, क्योंकि ये टूट जाता है ना कांच, तो इसीलिए इसका उपयोग स्विच वगैरह में नहीं किया जाता है। इसका उपयोग बल्ब, फ्लोर सेट ट्यूब आदि के खोल बनाने में किया जाता है। साधारण कांच की अपेक्षा क्राउन कांच की अधिक चालकता अचालकता बहुत ज़्यादा होती है, अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, एस्बेस्टस, यह सफ़ेद रंग का रेशेदार खनिज है। यह अग्नि से अप्रभावित रहता है परंतु नमी सोखने वाला है। अग्नि से अप्रभावित रहता है लेकिन नमी सोखने वाला है। इसका उपयोग विद्युत प्रेस, हीटर आदि में अचालक उष्मा अवरोधक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से लगभग जितने हैं सबको आपको मेमोरी में रखना है और एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि ये ऐसे इंसुलेटर हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए अगला, यह सफ़ेद रंग का खनिज पत्थर है। यह अज्वलनशील होता है। इसका चूड़ इमर्शन हीटिंग एलिमेंट में अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जहाँ अधिक तापमान वृद्धि संभावित हो वहाँ इसका उपयोग किया जाता है, मार्बल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे ज़्यादा तापमान होता है वहाँ पे मार्बल का इस्तेमाल करते हैं किसके रूप में, अचालक के रूप में, इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से आपको जितने मतलब इम्पोर्टेंट अचालक हैं उनको ध्यान में रखना है। अब देखें एक दो और बचे हुए, उनको देख लीजिए। सेलेक, यह एक रासायनिक पदार्थ है जिसे मेथिलेटेड स्प्रिट में घोलकर वार्निश तैयार किया जाता है। वार्निश का उपयोग कागज, कपड़ा, लकड़ी, बाइंडिंग आदि को नमीरोधी बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए पेपर, पेपर की बात हो रही थी। यह घास, रुई आदि से तैयार किया जाता है। याद रखिए घास, रुई आदि से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग अचालक पर्थ के रूप में पेपर कैपेस्टर आदि में किया जाता है। किसमें किया जाता है, पेपर कैपेस्टर आदि में किया जाता है। लेदराइट पेपर तथा प्रेस फॉर्म पेपर कागज के ही रूप है। लेदराइट पेपर मैंने बोला था ना, प्रेस फॉर्म पेपर, ये सब कागज के ही रूप है। उसके बाद देखें स्लेट, यह काले रंग का पत्थर होता है। इसका उपयोग तेल में डुबाकर वार्निश की परत चढ़ाकर स्विच बोर्ड तथा पैनल बोर्ड में किया जाता है, ठीक है। यह काले रंग का पत्थर होता है, इसका उपयोग क्या करते हैं, तेल में डुबा करके वार्निश की परत चढ़ाकर स्विच बोर्ड और पैनल बोर्ड में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ड्राई वुड, यह एक अच्छा अचालक और उष्मारोधी, इसके बारे में तो आप जानते ही, सूखी लकड़ी, ठीक है, अच्छा अचालक और उष्मारोधी प्राकृतिक पदार्थ है। इसका उपयोग स्विच बोर्ड, राउंड ब्लॉक, बैटन आदि के बनाने में किया जाता है। अब यहाँ पे उपरोक्त चालकों अचालकों के अतिरिक्त सूत, रुई, कागज, वार्निश आदि से तैयार किए गए अनेक प्रकार के अचालक विभिन्न वैद्युत कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे फाइबर हो गया, प्रेस फॉर्म पेपर हो गया, कार्टन पे टेप हो गया, अंपायर क्लॉथ हो गया, अंपायर स्लीव, हार्डबोर्ड, ठीक है। उसके अलावा ये सब भी अचालक ही है। तो इस तरह से जितने अचालक होते हैं मैंने उनको आपको मतलब एक बार बता दिया है, बोल दिया है, क्योंकि ये सब अचालक ऐसे केवल एक दोबारा पढ़ेंगे तभी आपको याद होगा, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि अचालकता के क्रम में कौन कौन से होते हैं, कौन किसका अचालकता ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर देखिए। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो अगली आने वाली वीडियोज हैं उनको बारे में आपको पता चल सके, ठीक है। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।